इन्होंने जेसीबी लाके आरक्षण कर दिया बिल्कुल, कोई भी टाइम एक मिनट का टाइम नहीं दिया इन्होंने। एक मिनट मैं कहता हूँ कोई भी बताओ, कोई अगर कहने के लिए तैयार है मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जो भी आप करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट पहले नहीं इन्होंने बताया कि हम सीधा गाड़ी लेके आए तो इन्होंने तोड़ना। नुकसान कितना हुआ आपका? बिल्कुल बिल्कुल, ये बस में यही कह रहे हैं कि सर भी जगह तोड़ रहे हैं, कोई रीजन नहीं। नुकसान आपका हुआ, नुकसान हुआ, कौन करेगा ये, क्या कर रहे हैं? जब आप यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे थे, बयान लगा करके इसने बनवाया ग्रीनरी, ग्रीनरी करो, ग्रीनरी कैसे होगी ये देखो, ग्रीनरी कैसे होगी? उसका बेचारे का हजारों रुपयों का नुकसान हो गया, कम से कम 10 दिन का नोटिस तो बताना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। आदमी फिर ये किसका कसूर है? नोटिस का तमील करेंगे हम, हमारे लोकल नेताओं का यानी भी कसूर है, जिन्होंने पहले बताया ही नहीं ये होगा, बात होगी ठीक है ना। उन्होंने कहा ग्रीनरी करो, वहाँ पार्क लगाओ, पार्क लगाओ, फिर तोड़ा क्यों? खुद गवर्नमेंट से खुद पौधे लगा रहे हैं, जंगले बांट रहे हैं, जंगली प्रशासन कहते हैं कि पेड़ लगाओ, गाड़ी के लोग यहाँ पर बाहर छन्नी देखो, त्रिकुटा नगर देखो, हर एरिया को इन्होंने लोगों ने एक वार्निंग बढ़ाई हुई है, कुछ यही नहीं हुआ इसमें, हमारा तो जगह ही नहीं आगे आई हुई है, फिर भी उन्होंने आने नोटिस नोटिस देना चाहिए बंदे को, भाई इसको थोड़ा हटा के पीछे रखो, बिना नोटिस दिए आगे आगे आ यहाँ पे कुछ नोटिस। यार आपके सामने नुकसान कितना, 1,00,000 रुपए का नुकसान तो हो ही गया है। एक तरफ से कहते हैं ग्रीन जम्मू, ये कौन सा ग्रीन जम्मू बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है इनकी, तो तोड़ रहे हैं। लेकिन सर जब बना रहे होते तब ये कार्रवाई करते, कुछ कहना चाहेंगे? जब हम बनाया किसी ने नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा ठीक है भाई ग्रीन जम्मू बन रहा है, बनने दो, अच्छा लग रहा है। और हमने यहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग सब कुछ लगा के रखा हुआ था, रात को देख रहे हैं लाइटिंग भी है। इतना नुकसान करने के बाद ये कहते हैं कि नहीं हम पूरे जम्मू को करें, कहाँ कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। ना तो बख्शी नगर को आग लगाया इन्होंने, ना गढ़वाल को, ना गांधीनगर, ना छन्नी हिम्मत, पूरे जम्मू में ऐसा हुआ हुआ है। उन्होंने ये ग्रीन जम्मू बनाने के लिए पूरे एरिया में कवर किया हुआ है, लेकिन इन्होंने आते ही रेहाड़ी में शुरू कर दिया जी ये कर रहे हैं, जी हम कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी कार्रवाई कुछ महीनों से पहले जो है वो कहीं नहीं की गई, यहीं पे की गई, और कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, इमीडिएट आना ही शुरू कर दिया इन्होंने। आपको ऐसा भी नहीं कहा गया? कुछ नहीं कहा गया, मैं सिटी गया हुआ था, अभी वहाँ से आया हूँ, तो इन्होंने ड्राइव शुरू कर दी हुई है। कम से कम थोड़ा सा 1 घंटा टाइम तो दो बंदे को, 1 घंटा भी टाइम नहीं दिया गया हमें। ये आपसे ही बस सभी करी।
इस समय ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, लोग जो है वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी एडवांस नोटिस नहीं दिया गया और जिस वक्त अकेला पंजा यानी कि बुलडोजर लेकर टीमें
पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची है, तब भी उन्हें अपना सामान उठाने का समय नहीं दिया गया है। बीजेपी के खिलाफ खुलकर यहां पर आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन पीला पंजा पदस्तूर चलता हुआ और तमाम इंक्रूचमेंट जो कि आप यहां पर इस समय देख सकते हैं, क्या स्थिति है, जो कि घरों के बाहर जगह जो थी वो घेरी गई थी जहाँ पर ये जंगले लगाए गए थे, तो इन सभी को यहाँ पर अब तोड़ दिया है और बुलडोजर बाबा जो है वो यहाँ से आगे की तरफ रवाना।